आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्रेन बेरी प्लांट को कैसे लगाया जाए। और इसके लिए मैंने एक ये देखिए गमला लिया है, लेकिन इस गमले का छेद मुझे लग रहा है छोटा, तो अब इसको थोड़ा मैं करूंगी बड़ा। ये देखिए, क्योंकि इसमें मैंने पहले मनी प्लांट लगाया हुआ था। मनी प्लांट में ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वो ज्यादा पानी में भी गलता नहीं है, लेकिन मैंने उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो इसको हम करेंगे बड़ा। मैं कर रही हूँ किचन के, देखिए किचन के जो छोटे मोटे कुछ बर्तन होते हैं वो भी इस काम में बहुत अच्छे से हमारा सहयोग देते हैं। ये देखिए, या देखिए किसी पत्थर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें ऐसे डालकर, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए है ना कितना गजब का आइडिया। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर लिया इसका। अब हम इसमें रखेंगे एक, ये देखिए टूटे हुए गमले का एक पीस जो उभरा हुआ है वो साइड हम ऊपर रखेंगे, और जहां से वो गहराई है उसको हम इसको उल्टा करके रख देंगे। मैं दिखा, ये देखिए ऐसे रख दिया। अब इसमें डालेंगे कुछ ही देखिए मूंगफली के छिलके और कुछ सूखे हुए पत्ते, और ये देखिए यहाँ पर सूखे हुए पत्ते और किचन वेस्ट मटेरियल है, ये सब मैं उसमें थोड़ा डालूंगी। ये देखिए कुछ हरे पत्ते भी चले गए तो कोई बात नहीं, सब गल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब गर्मियां आएंगी तो पानी ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा प्लांट में, और नमी बनी रहेगी और पॉट हल्का भी रहेगा और प्लांट को खुराक मिलती रहेगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो अपनी, मैंने आपको मैं एक लिंक दे दूंगी, जैसे मैं अपना गार्डन सॉइल जो है उसमें सब चीजें मिलाकर जो डालती हूँ, गोबर की खाद, थोड़ी कोकोपीट, अगर कोकोपीट नहीं है तो गोबर की खाद ही बहुत है, और थोड़ी रेत, थोड़ी ये एक फंगीसाइड पाउडर होता है, थोड़ा सा वो डाल देना है ताकि कीड़ा न लगे, या नीम के पत्ते डाल सकते हैं आप, थोड़ी रेत और किचन वेस्ट मटेरियल को जो मैं, और जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो मैं सुखा कर क्रश करके उसको एक पाउडर बना लेती हूँ, उन सबको मिलाकर मैं खाद बनाती हूँ। हो सकता है मैं शायद एक और चीज भूल भी गई हूँ, तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगी सॉइल का, क्योंकि आपने मेरे सभी फ्लावर्स देखे हैं कि कितने भर भर के गार्डन के अंदर फूल आते हैं। मैं आपको भी जाते जाते एक झलक दिखा दूंगी कुछ फूलों की, और उस सबको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं, वैसे आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आए तो आप लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, इस पैकेट में से इस प्लांट को निकालेंगे। धीरे से निकालते कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नीचे की साइड में पलटते जा रही हूँ इस पैकेट को, क्योंकि मैं इन पैकेट्स में जो नर्सरी से भी आते हैं और मैं खरीदती हूँ, उनमें मैं जब कोई बेबी प्लांट्स खरीदती हूँ तो वो लगा देती हूँ, कटिंग्स लगा देती हूँ। देखिए ये सब मैंने पिटूनियास खरीदे हैं तो ये लगा दिए, और ये जो प्लांट है क्रेन बेरी है मैंने खरीदा, ये भी मैंने कटिंग से तैयार नहीं किया, वैसे कटिंग से भी लग जाता है। ये देखिए इसमें रूट्स देखिए नीचे तक आए हुए हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, कारण बता दूं, क्योंकि आजकल सर्दी है नहीं तो ये प्लांट मर जाएगा। हाँ अगर इसमें चिकनी मिट्टी होती जो लाल रंग की होती तो थोड़ी मिट्टी आप नीचे से, बताती हूँ इतनी इतनी धीरे से हटा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ठीक मिट्टी है तो इसको नहीं छेड़ना है। ये नीचे से बहुत लंबी जड़े थी, इनको मैंने कट कर दिया। ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी हट गई थी तो मैंने सोचा आपको मैं दिखाई दूं। देखिए इसमें रूट बनी हुई है, ये प्लांट इसका मतलब बिल्कुल सही लिया है मैंने, सॉरी जो मैंने एक फेरी वाले भैया से लिया था घर के अंदर, मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी। कई बार फेरी वाले भी हमें बहुत अच्छे प्लांट दे जाते हैं, ये मैंने शायद 90 रुपीज का लिया था, और अब हम इस मिट्टी को भी यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया, और अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे थोड़ा पानी। ये देखिए पानी कैसे डालना है मैं आपको बता देती हूँ, जो तना है उससे थोड़ी दूरी पर पानी डालेंगे। ये देखिए चारों तरफ धीरे से,
अब इधर डालेंगे थोड़ा सा, बस पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जड़ें गल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप किसी भी विषय में मुझसे पूछना चाहते हैं तो हम उससे जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने थोड़े से फूलों की झलक दिखाते हुए मैं आपको अब बताती हूँ कि इस प्लांट की देखभाल कैसे करनी चाहिए और इसको लगाने के और भी क्या क्या तरीके हैं। मैंने तो ये प्लांट एक खरीदा है, जैसे कि नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। दूसरा तरीके इनके और क्या है? अभी तो ये एक ही स्टिक में है ये प्लांट, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। मुझे पता है इन सब का प्रोसीजर, क्योंकि बचपन से ही मेरा ये एक, जिसे कहते हैं ना, जुनून होता है किसी चीज़ के प्रति। तो क्या है कि अगर आपको नर्सरी से नहीं लाना चाहते तो आप कहीं से एक कटिंग ले आइए, वो आप लगा लीजिए इसको, और उस कटिंग को 40 डिग्री में कट करके मेरी रोज प्लांट वाली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वही मेथड है। और आप उसको उस जहां से आप कट करेंगे वहां पर शहद लगा लीजिए, या कोई ताज़ा एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या आप रूटेक्स पाउडर लगा लीजिए। इन तीनों मेथड बिल्कुल कामयाब होते हैं बहुत अच्छी तरह। या फिर अगर आपको कहीं से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मिल जाते हैं तो आप वो ले आइए, वो लगा लीजिए। आप सोच रहे होंगे मैं आपको और फूल क्यों दिखा रही हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी तो मेरे पास फूल खिले नहीं हैं, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ आपको। और दूसरी क्या है कि जो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने सभी प्लांट्स पर, जो मैं सॉइल मिक्सचर यूज़ करती हूँ, देखिए मैंने जैसे आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी कि एक बकेट में कैसे टमाटर, शिमला मिर्च और करेले की बेल भी लग गई है, करेले में भी फूल आए हुए हैं, और ये देखिए कितने सारे फूल हैं ये टमाटर के, टमाटर लगने स्टार्ट हो गए हैं। शिमला मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी, देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं ये। और आप अगर यही सॉइल मिक्सचर अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे अपने सभी प्लांट्स पर। और देखभाल क्या करनी है, तो मैंने लगाने का एक और मेथड आपको बता दिए, ग्रीन बेरी हिबिस्कस के बारे में मैं बता रही हूँ। देखभाल ये करनी है कि आपने एक तो उसको नमी वाली जगह में लगाना है, दूसरे पार्शल शेड में लगाना है आपने। इस पौधे को ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, छाया वाली जगह में लगाएंगे तो बहुत अच्छा ये ब्लूम करेगा। और समय समय पर, हफ्ते में 10-15 दिन में, कभी आप एक एक मुट्ठी उसको खाद देते रहिए, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड, जितने वेस्ट किचन वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक किसी डिब्बे में डाल दीजिए और उसमें पानी डालते रहिए, और बस 10-15 दिन के बाद वो पानी तैयार हो जाएगा। उसको छान कर एक बॉटल में रख लीजिए और वो डालते रहिए, और फिर देखिएगा आपका माल। और ये देखिए, ये आप देख ही रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था अभी लगाने का कि कैसे लगाना है। वहाँ जो पानी डाला था, तो एक सबसे ज़्यादा खास ख्याल क्या रखना है कि पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आप उसमें कोकोपीट या कुछ पत्ते ये सब उसमें डाल के बनाएंगे तो पानी नहीं रुकेगा और पौधा अच्छा ग्रो करेगा। ये बहुत से रंगों में होते हैं, आप देख रहे हैं, देखिए पीच कलर है, और मैरून में, पिंक में, अलग अलग रंगों में होते हैं। आपको जैसा रंग पसंद है आप उसको लगा सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से, एक जुनून से आप प्यार करेंगे और उसमें पूरी तरह से समर्पित होके करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, फिर मिलूंगी किसी नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।